तो आज दोस्तों LG की वॉशिंग मशीन हमारे पास आई है जिसकी हम स्पिन की मोटर चेंज करेंगे। तो ये देख सकते हैं ये मोटर है, और इसके दोस्तों इसके साथ कौन कौन से पार्ट्स चेंज होंगे वो भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे इसके हम वाटर सील लगाएंगे, और ये पे हमारे पास नई मोटर भी पड़ी है। और अगर ये मोटर मंगवाना चाहते हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और ये हमारे पास वाटर गार्ड है जो पानी को मोटर पर पड़ने से रोकता है, तो ये भी इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कैसे आपने इसकी मोटर को चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास स्पिन साइड का जो ढक्कन होता है इसको हम खोलेंगे। तो इसको खोलने के लिए आपने सिंपल पेचकस लेंगे। पेचकस को हमने सिंपल यहाँ पे अंदर की तरफ इंस्टॉल करके और ऊपर की तरफ खींचना है, और हमारा ढक्कन या बाहर अपने आप आ जाएगा। तो सिंपल है। इसके बाद जो इसका ड्रम है बाहर निकलेगा, तो ड्रम को बाहर निकालने के लिए और साइड में यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इसमें जो कपड़े वगैरह फंसे हुए हैं कपड़ों को भी हम बाहर निकालेंगे। उससे साथ में ड्रम को भी हम बाहर निकालेंगे। ड्रम को बाहर निकालने के लिए सिंपली हमने क्या करना है, मोटर के पास जाना है। मोटर पे आप देख सकते हैं ऊपर की साइड एक स्क्रू लगा होता है, पुली पर दो स्क्रू होते हैं, एक नीचे वाली साइड एक ऊपर वाली साइड। यहाँ पर एक साइड स्क्रू है और उसकी बैक साइड भी स्क्रू है। तो इस स्क्रू को हम खोलेंगे। तो स्क्रू को खोलने के लिए हमें एक 12 नंबर की चाबी चाहिए और 10 नंबर की गोटी हो या चाबी हो, किस काम हो जाएगा। तो 12 नंबर की जो चाबी है उसको हम पीछे वाले नट पे लगाएंगे। यहाँ पे दो नट लगे होते हैं, एक सामने की तरफ एक बैक साइड की तरफ। तो पीछे वाले नट को हम 12 नंबर की चाबी से थोड़ा सा ढीला कर लेंगे। उसके बाद हम गोटी की मदद से 10 नंबर की गोटी यहाँ पे लेंगे और गोटी को हम पुली में फंसा कर इसकी जो नट है पूरी तरह से खोल देंगे। तो यहाँ पर हम खोल रहे हैं इसके स्क्रू को। तो अगर 10 नंबर की चाबी है उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा नट जो है ढीला हो चुका है, हम इस नट को पूरा बाहर निकाल लेंगे। तो हमारा जो नट है वो खुल चुका है। इसके बाद जो इसका ड्रम निकालना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हमने इसको बस ऐसे घुमाकर खींचना है, बाहर आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि पुली के अंदर जो अंदर इसकी शाफ्ट है, ड्रम की शाफ्ट होती है, वो फंसी होती है। तो उसको कैसे निकालना है आपने, यहाँ पर हम स्क्रू ड्राइवर को इसमें फंसाएँगे ताकि पुली इसके नीचे से घूमे ना, ऊपर से हम ड्रम को घुमाएंगे। तो उसका क्या होगा, इसमें जो लूजपन आ जाएगा और पुली और ड्रम का कनेक्शन टूट जाएगा। तो ऐसे इसको घुमाएंगे, ऐसे घुमाते घुमाते इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो पुली है वो ड्रम अलग अलग हो चुका है। इसके बाद मशीन को पूरा उल्टा कर लेंगे, क्योंकि जो उसके स्क्रू होते हैं वो नीचे की साइड लगे होते हैं, उसका जो हेड होता है वो नीचे के साइड होता है। तो सभी तरफ स्क्रू लगे हैं इसके, देख सकते हैं यहाँ पे दो स्क्रू इस साइड और दो स्क्रू दूसरी साइड, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे दो स्क्रू इस साइड लगे हैं और दो स्क्रू सामने वाले साइड, एक नीचे लगा होता है यहाँ पर। तो टॉर्च मार के आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको स्क्रू मिलेगा। LG की वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं। तो सभी स्क्रू को हम स्टेप बाई स्टेप खोल लेंगे, जिससे जो हमारा ये नीचे वाली बॉडी और ऊपर वाली बॉडी अलग अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो वॉश साइड में बेल्ट लगी होती है, बेल्ट को निकालने के लिए क्या करेंगे, नीचे की तरफ दबाकर बेल्ट को घुमा देंगे तो ऑटोमेटिक बेल्ट हमारी बाहर आ जाएगी। उसके बाद हमारी जो बॉडी है वो अलग अलग हो चुकी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो जो वायर वगैरह होगी उसको हम ओपन कर लेंगे अगर कोई बीच में फंस रही है तो। वैसे तो LG की जो वायर होती है वो इतनी लंबी होती है कि इसका जो वायर हमें काटनी नहीं पड़ेगी, और ऐसे ही हमारी मशीन अलग अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्पिन के साइड में तीनों साइड में एक एक स्क्रू दिया हुआ है, तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप खोल लेंगे। इससे जो हमारी मोटर जो बाहर निकल के आ जाएगी, तो देख सकते हैं यह मोटर हमारी बाहर आ गई है। और जो वायर वगैरह फंसी होगी उसको हम काट देंगे ताकि मोटर हमारी मशीन से अलग हो जाए। तो मोटर हमने यहाँ पर बाहर निकाल रही है। इसके बाद हम खोले इसकी पुली खोलेंगे। तो पुली खोलने के लिए फिर वही हम 12 नंबर की चाबी और 10 नंबर की गोटी का इस्तेमाल करेंगे। 12 नंबर की चाबी की मदद से इस स्क्रू को हम ढीला कर लेंगे। और जब ये स्क्रू ढीला हो जाएगा उसके बाद हम 10 नंबर की गोटी से आगे वाला नट है उसको हम खोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा नट जो है ढीला हो चुका है 12 नंबर की चाबी की मदद से। इसके बाद 10 नंबर की गोटी लेंगे, इससे हम जो आगे वाला नट है उसको पूरा बाहर निकाल लेंगे। तो इसके बाद हमने इस पुली को कैसे बाहर निकालना है वो भी सिंपल है। आपने पीछे के साइड में कोई पेचकस हो, हमारे पास गोटी है, हम गोटी फंसा लेंगे, कोई भी चीज़ आप फंसा सकते हो, जिससे जो मोटर और पुली का जो कनेक्शन है, जैसे हम ऊपर ड्रम खोला था हमने वैसे ही है। जब पीछे मोटर में फंसा लेंगे तो मोटर नहीं घूमेगी, आगे से हम पुली को घुमाएंगे तो पुली घूमती रहेगी, जिससे क्या है मोटर की शाफ्ट और पुली का जो में प्ले आ जाएगी। और ऐसे हम घुमाते रहेंगे तो ऐसे पुली हमारी और खींचते रहेंगे, पुली ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी।
थोड़ा थोड़ा घुमाते जाना है, थोड़ा थोड़ा हमने खींचते जाना है। उसके बाद इसकी आए इसमें तीन स्क्रू लगे हैं ऊपर वाली साइड में, उन स्क्रू पे हम स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे। तो देख सकते हैं स्क्रू को खोलने से पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो स्प्रिंग है उसको साइड में कर लेंगे ताकि जो हमें पेचकस डालने की जगह मिल जाए। तो तीनों स्क्रू को हम ओपन करेंगे। ओपन करने से जो हमारी मोटर है बिल्कुल अलग हो जाएगी सभी पार्ट से। तो सभी स्क्रू को हम स्टेप बाई स्टेप खोलते जाएंगे। सभी स्क्रू को दोस्तों अपने अलग संभाल के रखना है, कोई कटोरी में डाल लें जब किसी भी चीज़ में डाल लें ताकि स्क्रू कोई भी इधर उधर ना हो, क्योंकि सभी स्क्रू का जो साइज है वो अलग अलग होता है, बाद में आपको दिक्कत होगी। तो आपने स्क्रू को संभाल के रखना है। तो ये अब आप देख सकते हैं हमारी मोटर जो है बिल्कुल अलग हो चुकी है और इसमें हम मशीन में नई मोटर फिट करेंगे। तो ऐसी सेम टू सेम मोटर आपको चाहिए तो जो हमने बाज़ार से ऑलरेडी ला के रखी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो सील है इसकी, उस सील को भी हम बाहर निकालेंगे क्योंकि सील भी इसकी चेंज करनी है। तो ड्रम हमने दोस्तों खींच कर बाहर निकाल लिया था और यहाँ पे देख सकते हैं सील जो है तो ये ठीक था, लेकिन फिर भी हम चेंज कर देंगे। थोड़ा सा इसमें हल्का सा हमें लगा कि डाउट, तो इसलिए हम इस सील को भी हम चेंज करेंगे। वैसे वाटर गार्ड लगाने से अगर ये सील अगर थोड़ा बोटा देखने में सही लग रही है तो चल जाती है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो सील को आप चेंज कर दें। तो सील को चेंज करने के लिए बहुत ही सिंपल है, आपने कैसे सील को बाहर निकालना है, सिंपल हम स्क्रू ड्राइवर लेंगे, इसका माइनर साइड हम सील के अंदर डालेंगे। ये आप देख सिंपल थोड़ा सा सील को उठाकर अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, सील ऑटोमेटिक हमारी बाहर आ जाएगी। तो सील दोस्तों हमारी बाहर आ चुकी है, तो सील को बाहर निकालेंगे। इसके अंदर हम नई सील इंस्टॉल करेंगे। जो रिंग है इसको दोस्तों का पुराना ही यूज़ करेंगे, उसको भी बताऊंगा कैसे आपने लगाना है, क्योंकि ये भी काफ़ी तंग करता है, क्योंकि जब अंदर डालते हैं तो अंदर जाता नहीं है ये, तो उसका भी एक ट्रिक है आगे बताऊंगा। तो दोस्तों आगे हम सभी पार्ट्स हमने यहाँ पे अवेलेबल हमारे पास, तो स्टेप बाय स्टेप उसको बताऊँगा कैसे आपने इसको लगाना है। तो वाटर गार्ड दोस्तों ज़रूर लगाएं, इससे जो मोटर की लाइफ है बढ़ जाती है, क्योंकि हल्की फुल्की अगर सील में लीकेज हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारा जो काम रुकता नहीं है, मोटर चलती रहती है और हमारी मोटर जलने से बच जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों सील के अंदर यहाँ स्लॉट दिया होता है, इसमें ये रिंग फंस जाएगा। ऐसे रिंग को सभी तरफ बिठा देंगे तो ऐसे हमारा रिंग अच्छे से फिट हो जाएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो पानी की लीकेज वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अच्छे से हम सील और रिंग को आपस में बिठा देंगे। बिठाने के बाद इसको सील को हम उसके मशीन के अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो अच्छे से सभी तरफ से बिठाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो सील है वो अच्छे से बैठ चुकी है और चेक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमने जो यहाँ पे सील लगानी है वहाँ पे काफ़ी गंदगी अगर वगैरह है तो उसको अच्छे से हम साफ़ करेंगे। यहाँ पे हम टेस्ट पेन की मदद लेंगे क्योंकि काफ़ी मोटा मोटी जो परत इस पर जमी हुई है मिट्टी वगैरह की, तो सभी परत को हम यहाँ से मेन जगह से हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने फेवी बॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो इसकी जो सील की पकड़ जो है अच्छे से बनी रहे, कोई भी हल्की फुल्की लीकेज हो तो फेवी बॉन्ड से वो हट जाए। तो हमने यहाँ पे जो यहाँ पे सील लगेगी उस जगह वो अच्छे से साफ़ करेंगे, आप भी अच्छे से साफ़ करें। और साफ़ करने के बाद ही फेवी बॉन्ड और सील लगाएं। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो हम रेगुलर आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों यहाँ ये कपड़े से हम इसी को अच्छे से साफ़ करेंगे और सील को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपल दोस्तों क्या करेंगे, हम सील को यहाँ पे बिठाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे पहले फेवी बॉन्ड लगा लेंगे। तो ये हमारे पास फेवी बॉन्ड है, बहुत हल्की सी परत आपने यहाँ पे लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी, सारी हल्की हल्की परत यहाँ पे सभी तरफ घुमा देंगे और इसके बाद हम सील को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो सभी तरफ हमारी जो फेवी बॉन्ड है वो लग चुकी है और इसके बाद इसके अंदर हम सील को इंस्टॉल करेंगे। हमारी दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि हम कुछ भी ऐसा मिस नहीं करना चाहते ताकि आपको बाद में फिटिंग के टाइम में परेशानी हो। फिटिंग के टाइम अगर आपको परेशानी होगी तो हमारी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने पूरी वीडियो को कवर किया है, कोई भी हमने चीज़ यहाँ पे छोड़ी नहीं है, सभी आपको बताने की पूरी कोशिश की है। तो यहाँ पे दोस्तों हम सील लगाएंगे।
यहाँ पे दोस्तों हमें क्या दिक्कत आ रही है कि वो जिसका जो रिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो हार्ड होने की वजह से ये अंदर नहीं जा रहा। तो इसको आप कैसे करेंगे इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उससे पहले हम इसकी जो मोटर वगैरह है वो फिट कर लें। हमारी जो सील है यहाँ पे फिट नहीं हो पा रही है, हमने काफ़ी कोशिश की, दोबारा से फिर कोशिश एक बार करेंगे, लेकिन जो ये इसके जो रिंग है वो अंदर ही नहीं जा रहा। तो उसको आप कैसे लगा सकते हैं, बहुत ही दोस्तों में हार्ड है, हार्ड प्लास्टिक बन चुका है, तो इसको हम बाद में फिट करेंगे। इसको मैं आगे बताऊंगा आपको वीडियो में कैसे मैंने इसको हम फिट किया, फिट करके दिखाऊंगा अभी। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो मोटर वगैरह फ़िट करेंगे। तो मोटर फिट करने के लिए आपने पहले वाटर गार्ड वगैरह कुछ नहीं लगाना, सिंपल पहले मोटर रख के इस पर आपने तीनों साइड स्क्रू लगा देनी है। बहुत ही सिंपल है, तीनों स्क्रू को हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर देंगे, इसके तीनों जो पैर हैं वो अच्छे से टाइट हो जाएंगे। अभी आपने इस पर कोई पुली वगैरह कुछ नहीं लगानी, सबसे पहले मोटर लगा के यहाँ पे फिट करनी है। तो नहीं तो ये नीचे वाले स्क्रू होते हैं वे यहाँ पे हमारा गार्ड लग जाता है, तो ये अच्छे से फिट नहीं हो पाते। अगर वाटर गार्ड नहीं लगाना तो आप पहले भी सारी पुली वगैरह लगा सकते हो, अगर वाटर गार्ड लगाना है तो आप ये स्क्रू आपको पहले लगाने पड़ेंगे, नहीं तो आप बाद में भी लगा सकते हो। तो सभी स्क्रू को हम स्टेप बाय स्टेप टाइट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर है जिससे काफ़ी जल्दी हमारा जो काम हो जाता है। इसके बाद हम इस पे वाटर गार्ड लगाएंगे, तो वाटर गार्ड लगाएंगे यहाँ पे ताकि ऊपर से बिल्कुल भी इस पे मशीन पे मोटर पे जो पानी बिल्कुल भी ना पड़े। अगर हमारी सील में थोड़ी सी ब्रेकेज वगैरह आ जाती है तो इसके इस पे ऊपर हम ब्रेक प्लेट लगाएंगे, जो ब्रेक प्लेट इसके हमने पहले खोली थी उसके ऊपर हम वाटर गार्ड के ऊपर हम ब्रेक प्लेट लगेगी और ऊपर से स्क्रू टाइट। और ब्रेक प्लेट लगाते समय क्या ध्यान रखना है आपने, यहाँ पे इसका जो स्प्रिंग वाली साइड है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए। तो आप देखिए हमने जो किस साइड पे ब्रेक प्लेट का डिज़ाइन है कैसे लगा रहे हैं वो ध्यान रखना है आपने, क्योंकि अगर गलत साइड में लगा दोगे तो बाद में जो इसकी ब्रेक में है दिक्कत आएगी। तो सभी स्क्रू को स्टेप बाई स्टेप लगाएंगे ताकि जो ब्रेक प्लेट और हमारा वाटर गार्ड है अच्छे से फिट हो जाए। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम टाइट करेंगे। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप वीडियो तो देखते हो काफ़ी ज़्यादा, हमारे व्यू भी आते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वाटर गार्ड है और हमारी जो मोटर है उसमें थोड़ा सा हमने यहाँ पे प्ले लेके आनी है, क्योंकि जो वाटर गार्ड टच हो रहा है मोटर की पुली के साथ, इससे जो मोटर से हल्की आवाज़ भी आती है और मोटर थोड़ा जोर लेगी। तो हम यहाँ पे वाटर गार्ड और पुली को हल्का सा उसमें प्ले लेके आएंगे ताकि मोटर हमारी आसानी से यहाँ पर घूम सके, और हाथ से घुमा के हम चेक कर लेंगे ताकि कोई भी इसमें टचिंग वगैरह बिल्कुल ना हो। तो यहाँ पे बिल्कुल हमारा काम ओके हो चुका है। इसके बाद हम क्या करें, नट के ऊपर फाइव बॉन्ड लगा देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है हल्की सी भी अगर ऊपर से लीकेज होगी तो पानी नट के द्वारा मोटर के ऊपर पड़ जाता है। तो यहाँ पर भी हम इसको कवर कर देते हैं ताकि मोटर पर पानी बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि एक बार हमारे साथ ऐसी कंप्लेंट आई थी, हमने वाटर गार्ड लगा दिया लेकिन स्क्रू से वहाँ से पानी चला गया तो मोटर दोबारा से जल गई थी। तो उसके बाद हमने नट के ऊपर भी फाइव बॉन्ड वगैरह लगा देते हैं ताकि पानी बिल्कुल भी कोई चांस ही ना रहे पानी जाने के, ताकि मोटर की लाइफ बनी रहे। तो यहाँ पर हम इसके अंदर पुली फिट करेंगे। पुली फिट करने के लिए क्या देखना है आपने, जो मोटर के ऊपर एक शाफ्ट पे कट लगा होता है उसको हमने पुली के स्क्रू वाले साइड में रख के ऊपर से हाथ से दबा देना है। ये दोस्तों वैसे एलजी की, इसको आप हथौड़ी से भी मार सकते हो, सैमसंग में आपने बिल्कुल ही नरम हल्की हल्की चोट मारनी है, नहीं तो कपड़ा रखकर आप हथौड़ी की भी मदद से भी चोट मार सकते हो। पुली ता जो पुली ऊपर से उस पर चोट लगे वो ख़राब ना हो, कपड़ा रख के उसके ऊपर आप हथौड़ी से चोट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्क्रू को टाइट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 10 नंबर की गोटी है, 10 नंबर की गोटी की मदद से हम स्क्रू को टाइट कर देंगे। इसके बाद हम 12 नंबर की चाबी से पीछे वाले नट को भी टाइट कर देंगे ताकि जो हमारा जो नट है एकदम फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमारा नट जो है फिक्स हो चुका है। इसके बाद दोस्तों सिंपल हम क्या करेंगे, जो हमने ब्रेक प्लेट यहाँ पे स्प्रिंग खोला था, स्प्रिंग को हम दोबारा से इंस्टॉल कर देंगे। ये दोस्तों स्प्रिंग का जो काम है वो ऊपर वाले ढक्कन के साथ अटैचमेंट होती है, जो हमारा स्पिन का ऊपर वाला ढक्कन मेन ढक्कन होता है जो इस मशीन में नहीं है, वो टूटा हुआ है,
तो यहाँ पे इस चीज़ का कोई काम नहीं है, ब्रेक प्लेट ब्रेक तो लगेगी नहीं, तो हम यहाँ पे इसको ओपन ही कर रखेंगे। आप अगर आपकी बिल्कुल ओके है तो आप इसको लगा भी सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको इसकी जो ब्रेक है उसको अलग कर देंगे टाई की मदद से, पीछे की तरफ बांध देंगे, क्योंकि इसका जो ढक्कन ऊपर वाला है वो मशीन का नहीं है। अगर मशीन का ढक्कन है तो फिर आप इसको ज़रूर लगाएं, अगर ढक्कन नहीं है तो फिर आपकी मर्ज़ी है, लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं तो वैसे इसको ओपन तो करना पड़ता ही है, क्योंकि नहीं तो जो इसकी ब्रेक है वो पुली को पकड़ लेगी और मोटर हमारी घूमेगी नहीं। तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक और पुली को अलग अलग कर देंगे ताकि बिल्कुल भी कोई ब्रेकेज वगैरह ना हो। तो यहाँ पे हमारी मोटर जो हो चुकी है मशीन के अंदर फिट हो चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मशीन की पुली को लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बर्तन में पानी को गर्म किया और उसमें हमारा रिंग डाल दिया। तो अच्छी तरह से इसको उबलने के लिए छोड़ दिया था जब तक हम मोटर फिट कर रहे थे। तो ये हमारा रिंग है वो काफ़ी नरम हो चुका है अब, तो इसमें हम सील को फिर से बिठाएंगे। तो अब इसको दोबारा से फिर लगाने की कोशिश करेंगे। तो इस समय आप देखते हैं हम कैसे इसका जो हमारा जो रिंग है वो कितनी जल्दी इसमें बैठ जाएगा, क्योंकि नरम रिंग होता है, इसके जो पैर हैं वो जो लॉक हैं उसके नरम हो जाते हैं। इसके बाद हम इसको लगाएंगे, बिठाने की कोशिश करेंगे, तो देखेंगे आप इसके पहली बार में फिट हो जाएगा बहुत आसानी से, हमारे ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा, आसानी से फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो सील है वो फिट हो चुकी है। और दूसरी साइड से हम चेक करेंगे, आपने ज़रूर चेक करना है, कई बार एक आधा जो इसका लॉक होता है वो अच्छे से नहीं बैठता, तो वहाँ पे हम इसको दूसरी साइड से खींच कर लगा देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे दो लॉक अभी बैठे नहीं हैं, तो हल्का सा खींचेंगे तो हमारे दो लॉक भी बैठ गए हैं, तो सभी लॉक हमारे इस साइड में बैठ चुके हैं। कई बार क्या होता है, कई मैकेनिक ऊपर से लगाते हैं लेकिन नीचे से लॉक लगते नहीं है, तो मोटर में लीकेज हो जाती है सील में और मोटर हमारी ख़राब हो जाती है। तो कई बार हमने ऐसे भी केस देखे हैं कि मोटर आज डाली और दो दिन बाद मोटर ख़राब। तो इसलिए सील को अच्छे से बिठाएं, हर काम पूरा बारीकी से करें, कभी भी आप कम पैसे लेने वाले मैकेनिक से काम ना करवाएं, अच्छे मैकेनिक से ही काम करवाएं अगर आप खुद नहीं करना चाहते, जो अच्छे से काम करे, सभी तरफ चेक करके काम करे। 100-200 रेट ज़्यादा होता है लेकिन इतना नहीं सोचना चाहिए काम के लिए, नहीं तो दोबारा मोटर डलवानी पड़ती है। मैं कई लोगों के घर में जाता हूँ, वो दो दिन पहले मोटर डलवाते हैं फिर हमसे फिर डलवाते हैं, तो अच्छे से वो चेकिंग नहीं कर पाते। पूरा मशीन को खोल कर ही सील लगानी चाहिए ताजो अच्छे से सभी तरफ हम देख सकें कि सील हमारी बैठी भी है कि नहीं बैठी। बिना मशीन को खोले कई सील लगा देते हैं ऊपर से और नीचे से वो चेक भी नहीं करते, ऊपर से मोटर लगा के चले जाते हैं, दोबारा कस्टमर का फ़ोन भी नहीं उठाते, तो ऐसा काम हम नहीं करते हैं। तो अच्छे से काम करें जिससे कस्टमर का पैसा भी बचे और मोटर की लाइफ बढ़े और आने वाले समय में आपको और काम मिले। तो उसके बाद हम ड्रम को फिट करेंगे। ड्रम को कैसे फिट करना है बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें जो LG की वॉशिंग मशीन है इसमें जो पानी वाला जो ऊपर से पानी का पाइप आ रहा है वो बीचों फंसता है। तो हमने क्या करना है, स्पिन ड्रम की जो शाफ्ट है वो पुली के अंदर सीधा ही इंस्टॉल करेंगे, जो सील के अंदर जो सुराख दिया होता है उसके अंदर सीधा ड्रम का जो शाफ्ट है वो इसके बीच में से बाहर निकल जाए। अगर आप धक्के से ऐसे इंस्टॉल करोगे तो सील के अंदर सुराख हो जाएगा, सील फट जाएगी। तो आपने ध्यान से देखकर बिल्कुल ड्रम के सेंटर में से जैसे हमने यहाँ निकाला है वैसे शाफ्ट को बाहर निकालना है। तो हमारा ड्रम जो फिट हो चुका है तो ऐसे ही आपने इसको इंस्टॉल करना है। इसके बाद हम इसकी जो बॉडी है वो आपस में जोड़ने के लिए ऊपर बिठा देंगे सभी तरफ चेक करके। और यहाँ पे हमने क्या करना है, जो मोटर का पुली है उसको ड्रम की जो शाफ्ट है उसको आपस में बिठाना है। सबसे पहले बॉडी को फिट नहीं करना, पहले आपने देखते सकते हैं यहाँ पे हमने ड्रम और मोटर की पुली को आपस में ज्वाइंट करेंगे। अगर आप पहले साइड वाले स्क्रू टाइट कर दोगे तो ये आगे पीछे हो जाएगा, बाद में आपको फिटिंग करने में दिक्कत होगी। तो पहले इसको बिठाएं, उसके बाद साइड वाली बॉडी के स्क्रू लगाएं जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद सभी तरफ से मशीन को अच्छे से बिठा भी देंगे, चेक करेंगे, उसके बाद हम स्क्रू को टाइट कर देंगे। तो उसके बाद हम फिर से यहाँ पे हमने एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जो स्पिन ड्रम की जो शाफ्ट है उस पर भी कट दिया होता है और उस कट को बिल्कुल सामने की तरफ लगाकर फिर हमने नटकों को टाइट करना है। तो अगर हम कट की जगह किसी और जगह टाइट कर देंगे तो हमारा जो ड्रम है अलग घूमता रहेगा और प्रॉपर से स्पीड नहीं बन पाएगी, ज़्यादा कपड़े डालेंगे और ड्रम घूमना ही बंद कर देगा।
और यहाँ से पुली भी फ्री हो जाएगी। तो ध्यान से आपने देखना है, जो ड्रम का कट हो उस पर ही हमने नट को टाइट करना है, जिससे अच्छे से नट हमारा टाइट हो जाएगा। तो हम इस नट को 10 नंबर की गोटी की मदद से टाइट कर देंगे। आपने दोस्तों यहाँ पे अच्छे से इसको टाइट करना है, बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना, बहुत कम भी नहीं लगाना, बस सिंपल जितना ये टाइट हो जाए उतना टाइट करना है। उसके बाद 12 नंबर की चाबी से पीछे वाले नट को हम टाइट कर देंगे। और इसके बाद दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सभी बॉडी नट को हम लगाएंगे, जिसको हमने पहले खोला था। तो सभी नट को हम आगे दिखाऊंगा, जो नट साइड में लगे होते हैं इसके बॉडी के साइड में। तो इस साइड दोस्तों दो नट हैं, इसको भी टाइट करेंगे। एक सामने की साइड यहाँ पे दिया है, एक यहाँ पर, दूसरी साइड भी दो नट दिए होते हैं, सभी को हम टाइट करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमने इसकी वायरिंग करेंगे। तो वायरिंग करने के लिए बहुत ही सिंपल है, एलजी में खासकर दोस्तों सभी कलर टू कलर हमने वायरिंग कर देनी है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो यहाँ पे हम कलर टू कलर मिला के वायरिंग कर देंगे। बाकी अगर आपके मशीन में अलग अलग कलर हैं तो उसके आप फ़ोटो ले लें, उसके बाद उसको लगा सकते हैं। वैसे एलजी में तो दोस्तों सिंपल ऐसे ही सेम टू सेम कलर होते हैं, सैमसंग में भी, सभी मशीनों में सेम टू सेम कलर ही होते हैं। हमने कलर से कलर मिला के आपने वायरिंग कर देनी है और आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, वाइट से हम वाइट कलर की तार जोड़ देंगे, और ब्लैक से हम ब्लैक को जोड़ देंगे, और ग्रे को हम ग्रे से जोड़ देंगे। तो हमारा काम ओके हो जाएगा, मशीन हमारी चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी हम वायरिंग कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी अगर आपने इसकी वायरिंग की वीडियो देखनी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैंने उस पर वायरिंग डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप इसकी वायरिंग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, आप किसी भी कलर की वायरिंग हो तो आप उसको देख कर अपनी वायरिंग जो है कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और पिन कमेंट में भी दे दूंगा। वहाँ पर आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, ताकि अगर आपको वायरिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ से वायरिंग इसकी सीख सकते हैं। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डीप मैंने आपको वायरिंग करने के बारे में उस वीडियो में समझाया है। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ पर दोस्तों हमारी वायरिंग जो है ओके हो चुकी है, और अब मशीन को हम चालू करेंगे, चला के चेक करेंगे कि मशीन हमारी ओके हो चुकी है या नहीं हो चुकी। तो उसके पे हम पहले वो ढक्कन भी लगाएंगे। ढक्कन लगाने के लिए बहुत ही सिंपल है, सिंपल आपने ढक्कन को इसके अंदर आगे वाली साइड में दो लॉक जैसे बने होते हैं वहाँ ऐसे फंसाएंगे और नीचे की तरफ दबा देंगे, दोनों साइड को दबाएंगे और हमारा ढक्कन जो है फिट हो जाएगा। इसके बाद हम मशीन को करेंगे चालू। तो यहाँ पर सप्लाई हमने दे दी है, अब देख सकते लाइट आ रही है, और बटन को घुमाएंगे और मोटर हमारी घूमना स्टार्ट हो चुकी है। तो बिल्कुल हमारी ओके है, मशीन हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और लास्ट हम क्या करेंगे, इसकी वायरिंग को कवर कर देंगे, जो भी इसमें वायरिंग की हुई है उसको कवर करके बैठा देंगे, और लास्ट में इसकी जो बेल्ट हमने निकाली थी वो बेल्ट को भी लगाएंगे। पहले हमें मोटर वाली साइड पर बेल्ट को लगाना है, उसके बाद गियर बॉक्स वाली साइड में बेल्ट को हल्का सा चढ़ाकर गियर बॉक्स की पुली को घुमा देंगे। आप देख सकते हैं हल्का सा चढ़ा के ऐसे इसकी जो बेल्ट आसानी से फिट हो जाएगी, और इसका बाहर वाला कवर लगाकर मशीन हमारी ओके हो चुकी है। हमारी वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।